नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2024 के चुनाव के दिन और महीने पास आ रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग राज्यों में जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही हैं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की और मुख्य रूप से एनसीपी की। आज बात करेंगे कि एनसीपी ऐसा लग रहा है कि टूटने की कगार पर है। हालांकि शरद पवार, जो कि मराठा स्ट्रांगमैन कहे जाते हैं, एनसीपी के सर्वे सर्वा हैं और वही मुख्य धारा है एनसीपी की, लेकिन जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, वो उन्होंने ऐसा लगता है कि शरद पवार की नींदें उड़ा दी हैं समय समय पर। ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अजीत पवार के बारे में कई बार ऐसा हुआ है कि कभी वो अपने एमएलए को लेके गायब हो जाते हैं, कभी वो दिल्ली आ जाते हैं, कभी उनके बारे में ये खबर मिलती है कि वो एनसीपी को तोड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी ही खबरें इस समय फिर से तेज हो गई हैं, और वो एक ऐसे समय में जबकि शरद पवार को ये कहा जा रहा है कि उनको महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार है, जो सरकार थी और जो पूरा अलायंस है, उसको उनको जोड़ के रखना है। विपक्ष की जो एकजुटता है उसमें मुख्य भूमिका उन्होंने एक तरीके से उनको माना जाता है कि वो एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। हालांकि जब अभी अदानी पर उन्होंने जो उनका एक इंटरव्यू आया था एनडीटीवी पर, उसको लेकर काफी लोग चर्चा करने लगे कि आखिर उन्होंने ये इंटरव्यू क्यों दिया। लेकिन जो उनके भतीजे हैं उनको लेकर ये खबर है, और ये अभी खबर केवल सूत्रों के हवाले से आ रही है, कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं है, कि एनसीपी को अजीत पवार तोड़ने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 53 लीडर्स में से करीब 34 ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं। उधर बीजेपी के महकमे से भी ऐसी खबरें आ रही हैं और लोग इस तरीके के साउंड बाइट्स दे रहे हैं कि अगर अजीत पवार अपने एमएलए को लेकर आना चाहें तो उनका स्वागत है। अब जाहिर सी बात है कि जितने भी मुंबई में सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि हर एक नेता की वहां पर फाइलें बन चुकी हैं, एफआईआर रजिस्टर होने की लीडर्स कगार पर है, तो सब अपना सेफ हेवन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो उनकी कंस्टिट्यूएंसीज को पैसे आराम से मिल जाएंगे, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का जो एक प्रेशर है वो भी नहीं रहेगा, और बीजेपी में जाकर उनके ऊपर जो भी दाग लगे हैं वो धुल जाएंगे। वो पूरी तैयारी इस समय एक तरीके से एनसीपी में चल रही है। लेकिन अगर अजीत पवार बीजेपी में जाते हैं तो एनसीपी का क्या होगा, और उसके दूसरे मायने ये है कि क्या शरद पवार का होल्ड अब अपनी पार्टी पर कम हो गया है, ये एक मुख्य सवाल है, और क्या होगा विपक्षी एकजुटता का। आज हम चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारे साथ तीन वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार है वाहिद अली। वाहिद अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विवेक देश पांडे हैं जो कि नागपुर से जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुनील शुक्ला हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है उत्तर प्रदेश से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में विवेक देश पांडे से शुरू करना चाहती हूँ कि विवेक, मुझे ये बताइए कि ये जो खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार एनसीपी को तोड़ना चाहते हैं, आखिर अब उनकी मंशा क्या है? क्या वो पूरे एनसीपी के परिवार को इस समय तोड़ना चाहते हैं एक तरीके से? हाँ नीलू, इस बार जो चर्चा चल रही है वो काफी गंभीर मालूम होती है। पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से एकदम सवेरे 2 बजे एक राज्यपाल भवन में प्रोग्राम हुआ था, जिसमें शरद अपना अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने एक सरकार बनाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री पद पर फडणवीस और उप मुख्यमंत्री पद पर अजीत पवार। इस तरह से एक उस समय सडनली लोगों को सवेरे उठकर ये पता चला कि नई गवर्नमेंट बनी है। उस समय इस तरह का स्पेकुलेशन कुछ नहीं था। अब की बार बहुत गंभीर स्पेकुलेशन चल रहा है और लंबा स्पेकुलेशन चल रहा है, और उसमें अजीत पवार जिस तरह से जो भी इंडिकेशंस दे रहे हैं वो इसी तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं कि वो शायद बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और जो अंदरूनी जानकारी है कि पवार फैमिली में भी अंदर एक प्रेशर का माहौल है, और शरद पवार खुद ये बात कह चुके हैं। जिस तरह से संजय राउत ने बताया कि शरद पवार खुद कह रहे हैं कि भाई फैमिली में एक तरह का टेंशन है और वो जो जाना चाहते हो जा सकते हैं, लेकिन एनसीपी जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में बनी रहेगी। तो इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन ट्रेजेक्टरी जो है वो देखिए, पिछली बार जब इस तरह की कुछ बात हुई थी तो उससे पहले फडणवीस सरकार थी और उन्होंने अजीत पवार को एक क्लीन चिट दिलवाया था, जो इरिगेशन स्कैम था उसमें।
इस बार भी इस तरह की ही बात हो रही है कि जो कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम है, शायद उसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम था, वो चैटशीट में उनका नाम नहीं रहेगा, शायद उनका नाम निकाल लिया है, इस तरह की भी बातें हो रही है। तो ट्रेजेक्ट्री कुल मिलाकर वैसी ही है, सिर्फ अब की बार स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछली बार वो सडनली हुआ था, एक शॉकिंग तरीके से वो उस समय किया गया था। तो बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अजीत पवार और उनके जितने भी साथी हैं जो उनको फॉलो करने वाले एनसीपी, वो बीजेपी के साथ जाए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शरद पवार अब की बार जो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उस तरह की इंडिकेशन दे रहे हैं, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब शरद पवार कभी खुद इस तरह की बात नहीं कहते, वो कह रहे हैं, लेकिन जब शरद पवार के जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, वो इस तरह की बातें हमने कई बार उनके पॉलिटिकल करियर में देखी है। क्या ये शरद पवार का इंजीनियर किया हुआ कोई एक नया नाट्य है? क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ जाएंगे और उसके बाद फिर वही ट्रेजेक्टरी इस बार भी हमको दिखाई देगी कि कुछ दिनों के बाद फिर वापस वो नाटक जो है उसको एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से खत्म किया जाएगा जैसा पिछली बार हुआ? ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि शरद पवार का पॉलिटिक्स है, वो किस मोड़ पर जाएगा, ले जाएगा, क्या टर्न लेगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन आज तो बहुत स्ट्रांग संभावना है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन ये संभावना क्यों बनी है? इसलिए बनी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से एक वर्डिक्ट आएगा। ये भी स्पेकुलेशन हुआ है कि जो 16 जो लोग है शिंदे कैंप के, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस तरह का एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आएगा, और ये निर्णय किस बिना पर आएगा? लोग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रिक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल जो बचेगा कि अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे और उनके जो फॉलोअर्स है उसका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्या उनको दरकिनार कर दिया जाएगा? बहुत सारी संभावना से प्रेग्नेंट इस तरह की एक पॉलिटिकल स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी है। आगे क्या होगा ये, और सुप्रिया सुले जी ने कहा है, मैंने कहीं आज ही स्टेटमेंट पढ़ा कि 15 दिन में 2 विस्फोट होंगे, एक मुंबई में होगा, एक दिल्ली में होगा। तो ये सब क्या है, इस तरह के स्पेकुलेशन क्यों बनाए जा रहे हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन आज तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अजीत पवार शायद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वो इंडिकेशन उन्होंने खुद ही दिए है, जिस तरह का कंडक्ट उनका पिछले कुछ दिनों में रहा है। नीलू जी, ठीक है।